से बच नहीं सकता। जिस तरह कौरव वीरों में आमना सामना हुआ है, श्रोता बंधु अस्त्रापुर की बरात का कह रही है, बरात जो अस्त्रापुर तो सज की गई थी, वे आप सही भी कह रहे हैं कान में क्या कहा करी कि तकू जावे और कोई नहीं अब साथी है और कैसे ब्याह हो इनको आप सभी डरी बराती है। दादा सुनिए जो बीड़ा वो दो घड़ी से ज्यादा रुक ही नहीं सकते, ये दक्ष का श्राप लगा हुआ था। अब घड़ी के बीच में नारद ने आगे 300 पांव फेंका दो। नारद जी जैसी आए घूम के और महात्मा एक तंत्र कही के कहो ना रे तो तुम और ताल तैयार हो कुकी तैयारी है जेबो है। बोले कि देव ऋषि नारद मैंने इन दो लड़के को ब्याह करवा हो गया और ताने में शर्त लगा दिए जाने जो गागर रखी है सर्प के बीच में पर गागर को जो फोड़ देगा उसी के साथ लड़कियों का विवाह हो जाएगा। नारद की महात्मा कह देगी तो मैं ही सुन। तो नारद जी एक तरह महात्मा को बता रहे जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची और तुम्हें दयायु पजाई है जा दिन त्यारो जन्म है बेटा गरी हाथ बनाई है महात्मा का गरी जाएगी फूट और जाखन घड़ा पाल पे फूट
लाल जी ते आओ, इते आओ, एक धर्मात्मा ले गए कौन में। अब जी बताओ जे जालन गंगा पुत्र भीष्म ठाणे जालन द्रोणाचार्य ठाणे संसार के सब राजाए जाको ब्याह हो गए तो भेजा पर महाराज जी बताओ मैं कैसे बच सकता हूं, मैं प्राण बचा तुम ब्याह होगा छा ना होगा।